हर रणनीतिकार आंकड़ों के आईने में ही सियासत की तस्वीर को समझने की कोशिश करता है, जिससे चुनावी चाल तय करने में कोई दुविधा नहीं हो। जब भी भाजपा के रणनीतिकार पश्चिमी यूपी के 2019 चुनाव के नतीजे देखते हैं तो उन्हें यह बात चुभती है कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी करीब दर्जन भर सीटों पर पार्टी विजय का परचम क्यों नहीं लहरा सकी। पूर्वांचल के कुछ सीटों के नतीजे भी इस टीस का सबब है, इसलिए भाजपा नई रणनीति के तहत विरोधियों के हर दांव को नाकाम करने में जुटी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। यूपी में सियासत की लीक बदलने वाली है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने विजय रथ को फर्राटा रेस की तरह दौड़ाना चाहती है और इसके लिए उसने पसमांदा यानी पिछड़े मुसलमानों, यादव समाज और दलितों को साधने के लिए चित्रकूट योजना पर काम शुरू कर दिया है। और सपा बसपा कांग्रेस आदि दल जो है वो जब सत्ता में होते हैं तो वह केवल वह खोजते हैं कि उनका वोट कौन है, उसके लिए योजना बनाते हैं। हम लोग वोट के आधार पर योजना नहीं बल्कि सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाए हैं, उसका आम जनता तक दिखाई दे रहा है दृश्य स्पष्ट रूप से और लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं। 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत ही शानदार होगा, ऐतिहासिक होगा। भाजपा की चित्रकूट योजना, पसमांदा मुसलमानों का भरोसा जीतने की मुहिम। 2014 से 2022 तक भाजपा ने यूपी में सियासत के कई नए समीकरण गढ़े हैं। इसकी बदौलत पार्टी ने दो लोकसभा चुनाव और दो विधानसभा चुनाव में महाविजय का परचम लहराया और अब पार्टी 2024 के लिए बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत भाजपा की नजर यूपी की 16% मुस्लिम आबादी पर है। यूपी में पसमांदा मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी मुस्लिम वर्ग में करीब 75% है, यानी इस वक्त अगर यूपी की आबादी को 23 करोड़ माने तो यूपी में मुसलमानों की आबादी 3,68,00,000 तक पहुंचती है और इनमें 75% पसमांदा मुस्लिम की बात करें तो ये 2,76,00,000 के करीब पहुंचते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में करीब 50% वोट हासिल किए थे। 2014 के मुकाबले ये 7% से ज्यादा वोट थे। पार्टी की कोशिश 2024 में वोट प्रतिशत के लिहाज से बड़ा उछाल हासिल करने की है। ऐसा होने के बाद ही भाजपा 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीत सकती है और इसके लिए उसकी कोशिश पिछड़े मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की है। और लगातार विश्वास, जैसे हमने कहा कि हमने अपने कार्यों से आम जनमानस में मुसलमानों के अंदर, अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक विश्वास पैदा किया है। और जो सपा बसपा कांग्रेस ने हम मुसलमानों को भ्रमित किया था, हमें गुमराह किया, हमारा वोट लेके हमारे उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, ये हम मुसलमानों को भी अब समझ में आ गया है, तभी हमने मोदी जी पर और योगी जी पर विश्वास जताया है। अब तक ये माना जाता रहा है कि ज्यादातर मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते। यूपी में मुसलमानों का झुकाव सपा की तरफ रहा है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस साल के विधानसभा चुनाव में यूपी में सपा को करीब 79% मुसलमानों ने वोट दिया। 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सीटें दोगुनी होने के पीछे मुस्लिम वोटर्स के जबरदस्त समर्थन को वजह माना गया। समाजवादी पार्टी में आज हर रंग मिल गए हैं। आज जो हमारा इंद्रधनुष बन रहा है बहुरंगी इंद्रधनुष है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है, एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते। इस संदेश के पीछे एक आंकड़े की बड़ी अहमियत है। दरअसल इस चुनाव में भाजपा को यूपी में 8% मुसलमानों के वोट मिले। इनमें ज्यादातर वोट गरीब पसमांदा मुसलमानों के थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर चलाई जा रही राशन से लेकर मुफ्त में सरकारी मकान और शिक्षा स्वास्थ्य स्कीम का लाभ मिलने की वजह से भाजपा का समर्थन किया। हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, बड़े जो अशराफ कहते हैं अपने को, वो हमेशा हमको इस्तेमाल किए, हमेशा लालच देते रहे और हमेशा हमको इस्तेमाल किया उन्होंने लाभ लेने के लिए और लाभ लेते रहे।
इस साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त रणनीति अपनाई थी। पार्टी ने करीब 50,000 बूथों पर अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने के लिए तैनात किया था। इनमें से हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी कम से कम 30 मुसलमानों के वोट भाजपा को दिलाने की थी। एक आंकड़े के मुताबिक ऐसी तैनाती वाले इलाके की करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर भाजपा को मुस्लिम बहुल इलाकों में 2,500 से 3,000 तक वोट मिले। इसकी वजह से करीबी मुकाबले में भाजपा की बड़ी जीत हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 82 में से 62 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी एक तिहाई है। जाहिर है इस नतीजे में भाजपा के लिए भी बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है। जुलाई की शुरुआत में जब तेलंगाना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पसमांदा मुसलमानों का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे समाज के हर तबके की आकांक्षाओं को पूरा करने का बीड़ा उठाएं। पीएम ने कहा था कि इसके लिए भाजपा नेताओं को सभी तबकों से संपर्क बढ़ाना चाहिए और दलित और पिछड़े मुसलमानों का समर्थन जुटाने की कोशिश भी करनी चाहिए। साथियों, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये सुशासन की आत्मा है। तेलंगाना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के महीने भर बाद यूपी के चित्रकूट में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री योगी ने दोबारा ये संकल्प दोहराया है। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा पसमांदा मुसलमानों को लेकर कितनी बड़ी योजना पर काम कर रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।